जुलाई अगस्त के बाद में सितंबर का महीना भी लगातार अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड नोट कर रहा है। सितंबर का महीना इस बार का सबसे ज्यादा गर्म महीना नोट किया गया है ये अभी तक के हाईएस्ट टेम्परेचर में से एक है कहीं ना कहीं इस हाइएस्ट टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग और तमाम अदर इवेंट्स पर हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल के रिपोर्ट के हिसाब से हमें यह पता चला है कि सितंबर का महीना एक ग्रेट कंसोन लेकर के आ रहा है यह महीना अपने आप में वार्मेस्ट सितंबर रिकॉर्ड किया है इस बार का जो एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर है वो 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन 1991 टू 2020 एवरेज नोट किया गया है जो कि लगभग आप एक डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर बोल सकते हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है इसके साथ ही साथ में अगर हम प्री इंडस्ट्रियल एवरेज के बारे में बात करें एटीन टू नाइनटीन उससे वन डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर यह टेम्परेचर नोट किया गया जो कि अगेन एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ना बढ़ने पाए या 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़ने पाए वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है और इनफैक्ट केवल और केवल सेप्टेंबर नहीं बल्कि जुलाई और अगस्त का महीना भी इसी तरीके के ही हाई टेम्परेचर को नोट किया है तो जब सारे रिकॉर्ड टूट रहे होंगे वही हमारा जो डब्ल्यू है इट हैज ऑलरेडी जस्टिफाइड दैट जुलाई 2023 ट्वेंटी थ्री वॉज द वार्मेस्ट मंथ ऑन द रिकॉर्ड तो ये चीज ऐसा नहीं है कि अभी हुई है केवल ये चीज चलती रह रही टेम्परेचर वॉज पॉइंट थ्री थ्री डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर दैन द प्रीवियस वार्मेस्ट मंथ एंड अराउंड वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर दैन द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज तो ये जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है ये लगातार होते जा रहा है हालांकि इतने सारे इवेंट इतने सारे कन्वेंशन और इतने सारे सीओपी मीटिंग्स के बाद भी अगर हम इस तरीके की कंडीशन को देख रहे हैं सो तो सिचुएशन सच में काफी अलार्मिंग हो रखी है तो अगेन इसी तरीके से डब्ल्यू एम भी ये बोल रखा है कि सितंबर का मंथ भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही डिवाफ मंथ के तौर पर साबित हो रहा है द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेक ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर इवेंट दिस ईयर Have not come as a जितने भी उनका यह मानना है कि इस बार का जो वार्मेस्ट टेम्परेचर हुआ है ये एलिनो के डेवलपमेंट के कारण से हुआ है एलिनो का डेवलपमेंट पैसिफिक ओशियन के ऊपर में होता है जो साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशियन के बीच का एक कॉम्प्लेक्स इवेंट है जहां पर वॉकर साइकिल के अल्टर होने के कारण से ही यह एल की सिचुएशनों में देखने को मिलती है क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग हीट वेव सिचुएशन कहीं कही ना कहीं हीट वेव बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है और इंडिया में इसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा एक लार्ज डेथ के रूप में देखने को हमें मिल रहा है एलिनर की कंडीशन और ज्यादा फर्दर एग्रीवेट हुई है हमारे सेप्टेम्बर में वहीं कुछ इलाकों में कुछ हिमालयन बेल्ट में जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई है वहीं जो मैदानी इलाके हैं प्लेन इलाके हैं वहां पर बारिश नहीं के बराबर हुई है या फिर बहुत ही अनइंटरप्टेड फॉर्मेट में हुई है द रिमेनिंग थ्री मंथ्स ऑफ द ईयर आर ऑल्सो फॉर काटस टू बी वार्मर देन यूजल और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार गर्मी और ज्यादा पड़ेगी एक्सट्रीम हीट सिचुएशन ऑफ सेप्टेंबर 2023 ट्वेंटी थ्री ऑल्सो सो नंबर ऑफ अदर क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स कई सारी चीजें और भी हमें देखने को मिली हैं जैसे अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लडिंग सिचुएशन हुई है ये फ्लडिंग सिचुएशन इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी हुई है हालांकि इसका टेक्टोनिक इंपैक्ट भी था लेकिन क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट हमें ज्यादा देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश के एरिया में हमें फ्लडिंग सिचुएशन देखने को मिली है जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को शो कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज का अपना एक बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है इसके अलावा अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन में फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का डेवलपमेंट होना सी आइस का लॉस होना इन द अर्कटिक ये भी कहीं ना कहीं कही ये दिखा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है वाइल्ड फायर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इसके अलावा जो क्रॉप की ईल्ड है वो भी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि वहाँ पर जो नेचुरल कंडीशन मिलनी चाहिए टेम्परेचर और इरीगेशन यानी वाटर की अवेलेबिलिटी की मॉइस्चर की वो नहीं मिल पा रही है वाटर की स्केर्सिटी भी लगातार बढ़ते आ रही है ये भी सिचुएशन कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए काफ़ी डिजास्टर साबित हो रही है आखिर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे इस क्लाइमेट चेंज के क्लाइमेट चेंज के जो सोल्यूशन है वो अपने ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस ही हैं जैसे हम जो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल की जगह पर हमें रिनएबल एनर्जी के सोर्सेज लेकर के आने होंगे हमें नए तरीके लेकर के आने होंगे जो हमारे ट्रेडिशनल जो ख़त्म हो जाने वाले रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिनुएबल है हमें उसकी जगह पर रिनुएबल सोर्सेज लेने पड़ेंगे जिससे कि हमारा पॉल्यूशन भी कम हो कार्बन जो एमिशन है वो भी कम हो और रिसोर्सेज हमेशा बने भी रहें इसके अलावा हमारे घरों पे बिजनेसेस में या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एनर्जी इफिशियंट सर्विसेज लेकर के आनी होंगी हमें अपने फॉरेस्ट को रिस्टोर करना पड़ेगा उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो मा, जिसकी मात्रा लगातार बढ़ते आ रही है उसे एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा यानी कि कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी एटमॉस्फेयर में जो गैसियस कंपोजिशन एक नेचुरल बेसिस पर होना चाहिए हमें वापस से वही रीइस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है इसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को भी हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है हमें कहीं ना कहीं जो इको सिस्टम है उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है हमें कुछ पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है अगेन जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट में हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है वो और तेज़ी से चले सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ में हम एक बड़ा और मेजर स्टेप ले सकें अब कई तरीके के हमारे समिट्स भी हो रहे हैं इस तरीके के जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उनसे रोकने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमें एक बनाना पड़ रहा है कई सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जैसे 1972 के दौरान में ही मीटिंग हुई और वहाँ से फिर फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने क्लाइमेट चेंज को लेकर के अपना इवेंट बनाना शुरू कर दिया 1992 में डेडिकेटेडली केवल क्लाइमेट चेंज के लिए अलग से एक प्रोग्राम लाया गया रियो समिट के दौरान में जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो कि क्लाइमेट चेंज को अब टैकल करेगी और इस क्लाइमेट चेंज यू एन ही लगातार अपने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करती है सीओपी मीटिंग्स करती है जिससे हम एक मेजर ब्रेक थ्रू अटेन कर सकें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और इसी सीरीज़ में सीओपी 28 होने वाली है जो कि दुबई में होगी नवंबर 2023 में होगी सिमिलरली इसी तरीके से कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स है जहां पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें होती रहती हैं उनसे रिलेटेड जो भी एक्शंस है वो हमें लेना होता है तो उसमें भी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्लाइमेट वीक मनाया जा रहा है ये मनाया जा रहा है इजिप्ट में दो से छः अक्टूबर के बीच में यह मनाया जाएगा सिमिलरली इसी तरीके से नैटिन अमेरिका क्लाइमेट समिट भी होने वाली है जो कि होगी पनामा सिटी में और ये नवंबर थर्टीन टू सेवनटीन के बीच में प्रस्तावित है यहाँ पर होने की संभावना है इसके अलावा बैंकॉक थाईलैंड में भी एक मीटिंग uh, होने वाली है दिस इज एशिया पैसिफिक क्लाइमेट वीक जो कि दिसंबर फोर टू एट के बीच में प्रस्तावित है यहाँ पर भी ये होने की संभावना है इन सभी प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर के जो इन सभी प्लेटफॉर्म पर हमें जो एक्शन देखने को मिलेंगे वो क्लाइमेट चेंज पर किस तरीके से हम चीज़ों को रोक सकते हैं क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हम बचा सकते हैं इसी को लेकर के हम लोग अपना एक एक्शन प्लान बना रहे हैं रीजनल बेसिस पर और ग्लोबल लेवल पर हर लेवल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पर हम अपना एक एक्शन प्लान बना सकते हैं तो इस सीरीज में जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हर साल साबित होते आ रहे हैं हर साल जो हीट वेव की कंडीशन ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन क्लाइमेट चेंज की कंडीशन जो हमें बना हुआ है। uh, unusual, uh, other... है। और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पेक्ट है वो अभी आम जनता पर देखने को मिल गया है कई सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि अब सम्म होते आ रहे हैं कई सारे कंट्रीज़ ने इनफैक्ट जब सीओपी मीटिंग होती है तो समुद्र के जो हमारा ओच सी लेवल है वो राइज होते हुए सिचुएशन को दिखाने के लिए समर्जेंस सिचुएशन को दिखाने के लिए वो समुद्र में उतर करके अपनी मीटिंग कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को ज़्यादा मतलब इमोशनली देखा जा सके केवल और केवल हम कैपिटलिज्म और डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम इन्वायरमेंट को डैमेज करते रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में एक ऐसे कंट्री को भी देखना पड़ेगा जो शायद कभी क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट होनी ही नहीं चाहिए थी सो इट हैज़ रिपीटेडली फ्लैग्ड द सिचुएशन और कहीं ना कहीं इसकी जो जो ये लगातार बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो हमें आने वाले टाइम में हीट वेव की और ज्यादा डिजास्ट्रस कंडीशन और ज्यादा डेडली डिसीजेस के फॉर्मेट में हमें देखने को मिल सकती है सो क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज फेसिंग ह्यूमैनिटी टूडे इट इज इसेंशियल दैट वी टेक अर्जेंट एक्शन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस अमीशन मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एट द एनुअल क्लाइमेट चेंज मीटिंग शेड्यूलूल टू बी हेल्ड इन दुबई दिस ईयर जो सी ओ पी ट्वेंटी एट होने वाली है दुबई में कंट्रीज जो है वो सभी एक साथ मिलकर के आए और यहां पर उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा कि हम आप टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से बढ़ने नहीं देंगे और 2 डिग्री सेल्सियस से तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना है एंड दिस वुड बी द बिगेस्ट गैप लाइकली टू बी रिवील्ड बाय द स्टॉक टेक एक्सरसाइज आर एक्सपेक्टेड टू इस सम मोर एनर्जेटिक क्लाइमेट एक्शन फ्रॉम द कंट्री सो दिस इज ऑल ये हमारे लिए क्लाइमेट चेंज का आज की टाइम में एक अलार्मिंग सिचुएशन हो रखी है हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे और अगर हम नहीं लिए तो शायद हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं रहेगा हमारा शायद फ्यूचर लाइफ के लिए सर्वाइवल कंडीशन नहीं लेकर के आएगा और शायद एक बार फिर से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में शायद हुआ होगा वो हमें वापस रिपीट होता हुआ देखने को मिल सकता है तो ये हम लोगों ने देखा क्लाइमेट चेंज के बारे में सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन यू कैन फॉलो ऑन द सोशल मीडिया लिंक्स यू कैन सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के वीडियोज़ के साथ में टिल एंड गुड बाय थैंक यू सो मच बाय बाय